everyone, namaste, sajjata, assalamu alaikum, welcome back to our channel. We are doing a reaction video of Wali Allah, the Sher Ki Sawari. आज की हमारी जो वीडियो है वो है वली अल्लाह और शेर की सवारी. वली अल्लाह, आई हैव नो आइडिया कि वली अल्लाह किसके लिए यूज़ किया गया है. मे बी दिस इज़ द अदर नेम ऑफ अल्लाह या कुछ और है, वो हम लोगों को ये वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा. एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड. एक्चुअली वी बोथ आर वेरी एक्साइटेड टू रिएक्ट ऑन दिस वीडियो बिकॉज इसमें लॉयंस भी हैं और देखते हैं कि इसमें एग्जैक्टली क्या मेंशन किया गया है. और उसके बाद में एंड में फिर से मिलते हैं और दोबारा से डिस्कस करते हैं. और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. वली का लफ्ज़ विला से निकला है जिसका मतलब मदद और नुसरत के हैं. और वली अल्लाह से मुराद वो शख्स है कि जिसे अल्लाह की मदद हर दम हासिल रहती है, जो अल्लाह का दोस्त होता है, जिनके मुतल्लिक अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है कि उन्हें ना तो कोई खौफ ना ही कोई गम लाहक होता है. और आज की वीडियो में हम सब ने कुछ ऐसे औलिया अल्लाह का जिक्र करना है कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ अल्लाह ताला के आगे सरेंडर कर दी, अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में फना कर दिया, अपने आप को अल्लाह के अहकामात के ताबे कर लिया, तो फिर अल्लाह ने भी उन्हें इस दुनिया में वो मकाम और मर्तबा अता फरमाया कि ना सिर्फ वो नस्ले इंसानी के दिलों पर बल्कि जंगली दरिंदों पर भी हुक्मरानी करते थे. आपको बताएंगे कि कश्मीर में वो कौन से वली अल्लाह थे कि जो शेर की सवारी फरमाया करते थे और उनके मजार पर आज भी शेर हाजिरी देने आते हैं. तज़किरा करेंगे उस वली का कि जिस पर खूनखार दरिंदे ने हमला किया तो फिर क्या करामत देखने में आई. और दास्तान सुनाएंगे आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक आशिक नाम की कि जिसकी हिफाजत पर शेर मामूर हो गए. लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए ताकि ऐसी तारीखी मालूमाती और इस्लामी वीडियोस आपकी रोजमर्रा जिंदगी में शामिल रहें. दोस्तों शेख अबुल हसन का शुमार अहदे कदीम के उन बुजुर्गाने दीन में होता है कि जिन्होंने अपनी जिंदगियां अल्लाह के लिए वक्फ कर छोड़ी थी. आपके जमाने में मिस्र पर अहमद बिन तलून की हुकूमत थी, वो एक जालिम बादशाह था, रियाया पर जुल्म और सितम करता रहता. और यहीं पर बस नहीं बल्कि कि उसके दौर में रियासत में फहाशी और उरियानी और बेहयाई का दौर दौरा था. अहमद बिन तलून की रियाया उससे तंग तो बहुत थी मगर किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी कि उसे उसके जुल्म के बारे में वार्निंग दे सके, उसके सामने कलमाए हक बुलंद कर सके. लेकिन खवातीन हजरात, अल्लाह के दोस्तों को तो कोई डर और खौफ नहीं होता. चुनाचे शेख अबुल हसन उसके सामने गए और उसे जुल्म और सितम से बाज आने की तलकीन की. अहमद बिन तलून को शेख अबुल हसन की यह हक गोई हरगिज पसंद न आई और उसने सजा के तौर पर आपको भूखे शेर के आगे डाल देने का फैसला सुना दिया. उसकी हिदायत पर एक शेर को कई रोज तक भूखा रखा गया और इसके अलावा शहर भर में मनादी करवा दी गई कि एक बागी को सरेआम सजा दी जाएगी और उसे भूखे शेर के आगे फेंक दिया जाएगा. बादशाह के हुक्म के मुताबिक वक्ते मुकर्रा पर शेख अबुल हसन को उस मैदान में पहुंचा दिया गया. आस पास से बड़ी तादाद में लोग भी ये मंजर देखने के लिए वहां पर आन पहुंचे, जिनमें शेख अबुल हसन के कई शागिर्द भी मौजूद थे. एक भूखे शेर को जब उस पिंडाल में लाया गया तो वो हमला करने के लिए बेताब था. चुनाचे बादशाह के हुक्म पर उसकी जंजीरें खोली गईं तो वो फौरी तौर पर शेख अबुल हसन की जानिब भागता हुआ आया. मगर चश्मे फलक ने ये नजारा देखा कि वो उनके करीब पहुंचकर उनका जिस्म सूंघने लगा और फिर यूं लगा कि जैसे किसी गैबी कुव्वत ने उसे पीछे हटा दिया है और वो कुछ फासले पर जाकर अदब से बैठ गया. मैदान में हर तरफ अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होने लगी. बादशाह से ये मंजर बर्दाश्त ना हुआ और वो वहां से उठकर चला गया. शेख अबुल हसन को आजाद करने का हुक्म सुना दिया गया. जब उनके शागिर्द उन तक पहुंचे और उनसे दरियाफ्त किया कि जब शेर ने आप पर हमला किया था तो क्या आपको कोई खौफ महसूस हुआ था, शेख अबुल हसन ने जवाब दिया कि अल्लाह की कसम मुझे किसी किस्म का खौफ महसूस नहीं हुआ था. मैं उस वक्त महज ये सोच रहा था कि इस दरिंदे के मुंह से निकलने वाली झाग से मैं कहीं नापाक तो नहीं हो जाऊंगा कि मुझसे अल्लाह और उसके रसूल की हमदो सना छूट जाएगी. तो खवातीन हजरात, ऐसे होते हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम जो अपने आका से निस्बत पर नाज रखते हैं और फिर दुनिया की कोई शरपसंद कुव्वत उनका बाल बीका नहीं कर सकती. इसी वजह से उन्हें कोई डर बाकी नहीं रहता. आपके साथ हजरत सफीना रजी अल्लाह अन्हो, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आजाद करदा गुलाम थे, उनका एक वाक्या सुनाते हैं कि आपके गुलाम के मुंह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक सुनकर शेर ने भी अपना सर तस्लीम खम कर दिया और उस गुलाम की दूसरे दरिंदों से किस तरह हिफाजत फरमाई थी. इस मौजे का जिक्र इमाम हाकिम, तिबरानी और बुखार
बुखारी ने तारीख़ कबीर में रिवायत किया है, हज़रत सफ़ीना नस्लन रूमी थे। वो बजाते खुद इस वाक़े के रावी हैं, कहते हैं कि मैं समंदर में एक कश्ती पर सवार हुआ, ये कश्ती टूट गई तो मैं उसके एक तख्ते पर चढ़ गया। उसने मुझे एक ऐसी जगह फेंक दिया जो शेर की कछार थी, वही हुआ जिसका डर था कि शेर मेरे सामने आ गया। मैंने उस शेर की कुनियत के लिहाज से उसे मुखातिब किया कि ए अबुल हारिस, मैं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ। तो उसने फौरन अपना सर खम कर दिया और अपने कंधे से मुझे इशारा किया और उस वक्त तक मेरी रहनुमाई करता रहा जब तक कि उसने मुझे सही राह पर ना डाल दिया। फिर जब उसने मुझे सही राह पर डाल दिया तो वहां से वो रुखसत हो गया। ख़वातीन हज़रात, दूसरी हदीस में ये वाक़या कुछ यूं बयान हुआ है कि हज़रत इब्ने मकदार बयान करते हैं कि हज़रत सफ़ीना रज़ी अल्लाह अन्हो एक दफ़ा रोम के इलाके में लश्कर इस्लाम से बिछड़ गए या वो अर्ज़ रोम में कैद कर दिए गए। वो वहां से भागे ताकि लश्कर से दोबारा मिल सकें कि अचानक उनका सामना एक शेर से हो गया। उन्होंने उससे कहा, ए अबू हारिस, मैं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम का गुलाम हूँ और मेरा मामला इस तरह है कि मैं लश्कर से बिछड़ चुका हूँ। यह सुनना था कि शेर फौरन दुम हिलाता हुआ उनकी तरफ आया और उनके पहलू में खड़ा हो गया। जब भी वो किसी और दरिंदे की आवाज़ सुनता तो फौरन वो शेर हज़रत सफ़ीना रज़ी अल्लाह अन्हो के आगे आगे चलता और जब खतरा टल जाता तो फिर से वापस आता और उनके पहलू में चलना शुरू कर देता। वो इसी तरह उनके साथ चलता रहा यहाँ तक कि वो लश्कर में पहुँच गए और उसके बाद शेर वापस लौट गया। और दोस्तों, आखिर में तज़किरा करते हैं हज़रत सैयद शेर अली शाह का कि जिनकी दरगाह जम्मू कश्मीर के जिला पूंछ के गांव शनेंद्रा में वाक़या है। ये गांव अपनी खूबसूरत बुलंद बाला चोटियों, घने जंगलात, जरखेज इलाकों की बदौलत इर्द गिर्द के इलाके में मशहूर है। और फिर अगर इन जगहों की नस्बत ऐसे औलिया इकराम से हो जो जोहद व तकवा, कशफ व कमालात में आला दर्जे पर फायज हों तो इन जगहों की कदर व मंजिलत और भी बढ़ जाती है। अल्लाह के इस वली का असल नाम सैयद सुल्तान शाह गाजी था। कहा जाता है कि आप शेर की सवारी किया करते थे, इसी निस्बत से आप शेर अली शाह के नाम से मौसूम हो गए। आप सैर व सियाहत करते रहते और इस दौरान आप इस्लाम की तरवीज व इशाअत भी करते रहे। आप एक बुलंद पाया बुजुर्ग रहे हैं और सारी उम्र इश्क इलाही और नशा मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मदहोश रहे। आपकी तालीमात का लुब लबाब नफ्स कशी, गोशा नशीनी, तवक्कुल बर खुदा और सब्र व रजा थी। आप लोगों के साथ इखलाक, नरमी और मोहब्बत से पेश आते थे और यही वो खूबियाँ और तालीमात थीं कि जिनके सबब आप लोगों के दिलों पर हुक्मरानी किया करते थे। बल्कि कहा जाता है कि आपका हुक्म जंगली दरिंदों पर भी चलता है। हज़रत शेर अली शाह से एक वाक्या मंसूब है कि आप शनिंद्र गांव में मुकीम थे, वहां कोई परदेसी कहीं से आ रहा था और यहां पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। रात के लिए उस परदेसी ने जगह तलब की, उसके साथ एक गाय भी थी। आपके कहने पर उसने माल मवेशियों के कमरे में गाय बांध दी, लेकिन वहां पर आपका पालतू शेर भी मौजूद था। उसके जहन में अंदेशा आया कि कहीं ये शेर उसकी गाय को खा ना जाए, लेकिन फिर भी उसने वो गाय वहां पर बांध दी। मगर रात को उस अंदेशे के सबब वो उठकर गया तो उसने एक अजीब मंजर देखा कि वो शेर गाय को खा चुका था। उसने सोचा कि वो सुबह उठकर शेर अली शाह से इस बारे में शिकायत करेगा, लेकिन जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी गाय वहीं पर मौजूद थी, जबकि सैयद शेर अली शाह अपने उस पालतू शेर को मुखातिब करके ये कह रहे थे कि मुसाफिरों और परदेसियों के साथ ऐसा सलूक हरगिज नहीं किया जाता। आपकी एक और करामत आज भी मौजूद है। कहते हैं कि आप उसी शेर की सवारी करते हुए जंगल से चले आ रहे थे। रास्ते में प्यास लगी तो अपने मुरीद को एक असा दिया और कहा कि पत्थर पर असा को खटखटाओ। ऐसा करने से वहां अल्लाह ताला के फजल से एक चश्मा फूट गया और आज तक वही पानी लंगर के लिए इस्तेमाल होता है और मकामी लोग भी उसको इस्तेमाल करते हैं। सैयद शेर अली शाह का इंतकाल सन 1262 हिजरी में हुआ और मख्याला में आपकी आखिरी आराम का मुतय्यन हुई। कहा जाता है कि आपके इंतकाल के बाद आपके पालतू शेरों को आजाद कर दिया गया, लेकिन आज भी उन शेरों की नस्लें आपके दरबार पर हाजिरी देती हैं। कुछ अरसा कबल सोशल मीडिया पर ऐसी ही एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें कुछ जंगली शेर एक दरगाह पर आते हैं और कुछ वक्त के लिए वहां पर कयाम करते हैं। अब इस वीडियो के बारे में दो मुख्तलिफ आरा थी। कुछ लोगों का ख्याल था कि ये शेर वाजे तौर पर देखा जा सकता है कि दरगाह को चूमते हैं और वहां खामोश खड़े रहते हैं, जबकि बहुत से लोगों का कहना ये था कि ये महज जंगली दरिंदे थे जो खुराक की तलाश में इस इलाके में आ निकले, वगरना इन मनाजिर में करामत का कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल ख्वातीन हज़रात, ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। आप कमेंट सेक्शन में हमारी जरूर रहनुमाई कीजिएगा। हम सब ने आज कोशिश की कि कुछ ऐसे अल्लाह वालों का तज़किरा किया जाए कि जो ना सिर्फ इंसानों बल्कि जंगली दरिंदों के दिलों पर भी हुक्मरानी करते थे। और ये तमाम करामात दिखाकर ख्वातीन हज़रात, मकसद ये नहीं है कि आपको हैरान
हैरान कर दिया जाए, बल्कि महज इस वीडियो का मोटिव ये था कि आपको इन अल्लाह वालों की ज़िंदगियों से कुछ तहरीक मिले, आप और हम अपनी ज़िंदगियों पर एक नज़र डालें, अपने अफ़ाल अपने अकवाल पर निगाह करें और जितनी जल्दी मुमकिन हो सके तौबा इस्तग़फ़ार करके अपने रब की राह की तरफ लौट चलें। ये याद रखिए कि तौबा करने का कोई भी लम्हा देर से नहीं आता है। बहुत से बुजुर्गाने दीन ऐसे भी गुजरे हैं जो अपने माजी में चोर या डकैत रहे हों, मगर फिर अल्लाह ताला ने उन्हें तौबा की तौफीक बख्शी, उन्होंने अपनी ज़िंदगियां अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक ढाल ली तो अल्लाह ने उन्हें इस दुनिया में भी उन्हें बुलंद मकाम और मर्तबा अता फरमाया। हम सब की कोशिश होगी कि आइंदा वीडियोज़ में ऐसे बुजुर्गान दीन का तज़किरा भी किया जाए और आप तक उनकी ज़िंदगियों के बारे में वाक़ियात पहुँचाए जाएँ। अगर आप ये वीडियोज़ हासिल करना चाहते हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सब के सब्सक्राइबर्स बन जाइए। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सब के साथ जुड़े रहिए। वाओ, सच अ ब्यूटीफुल वीडियो। नाइस, वेरी वेरी नाइस। अच्छा, तो वली अल्लाह इज नॉट द अदर नेम ऑफ अल्लाह। वली अल्लाह उस शख्स को बोलते हैं जो कि अल्लाह का दोस्त है, या हम बोल सकते हैं कि जो फॉलोअर हैं और मीन्स अल्लाह की राह पे चलते हैं, उनको अच्छे से फॉलो करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, हमेशा नेक राह अपनाते हैं और नेक काम करते हैं, तो उनको वली अल्लाह बोलते हैं। और हमारे भगवान अल्लाह जब उनसे खुश होते हैं तो उनको बोल सकते हैं कि हम कुछ पावर्स आती हैं या सुपर नेचुरल पावर्स उनमें भी आ जाती हैं, जिससे कि वो लोग जैसे हम बोलते हैं ना कि इस बंदे में शक्ति है, तो वो शक्ति नहीं होती, वो भगवान जी की तरफ से ही उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा वरदान मिला होता है कि वो लोग कुछ ऐसा करते हैं जिसे वो लोग ना कि सिर्फ इंसानों के दिलों पर बल्कि जानवर के दिलों पर भी राज करते हैं। बहुत ही अच्छा था। और इसमें जो उन्होंने फर्स्ट वाक्या मेंशन किया था जिसमें शेख अबुल हसन जिसको उन्होंने एक जगह पे डाल दिया था यहाँ, और एक भूखे शेर को जिस शेर को पर्पसली उन लोगों ने काफ़ी दिनों तक भूखा रखा था कि अगर वो भूखा होगा तो ऑब्वियसली वो एकदम से उसको देख के उसके ऊपर अटैक करेगा। बट देखो, उस शेर ने उनको कुछ भी नहीं बोला, मीन्स वो शेर उनके सामने बिल्कुल आके बैठ गया और उनको स्निफिंग करने लगा। और उसके बाद जब उनसे पूछा गया शेख अबुल हसन जी से, तो उन्होंने बोला कि मतलब ही वॉज़ नॉट वरीड एट ऑल कि वो शेर उनके ऊपर अटैक करेगा या उन्हें खा जाएगा, बट ही वॉज़ मोर वरीड कि ऐसा ना हो कि वो जो उनके ऊपर बॉडी पे थूक लगा दे या कुछ हो तो वो नापाक ना हो जाए। मीन्स देखो, जो बंदा वाकई अपने दिल से अल्लाह की राह को फॉलो करता है और वो हमेशा ये सोचता है कि मैं पाक साफ रहूँ, नो मैटर, उसे अपनी जान की परवाह नहीं थी कि वो शेर मुझे खा जाएगा, बट ही वॉज मोर कंसर्न कि मैं नापाक नहीं हो जाऊँ। तो रियली वेरी नाइस वीडियो। और आप लोगों को अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और कमेंट में मेंशन कीजिए कि नेक्स्ट कौन सी वीडियो पर हम रिएक्ट करें। तब तक के लिए बाय बाय।